Good afternoon. In previous classes, we have discussed about the classification of optical fiber. So, optical fiber के बारे में हमने discussion किया था, उसका classification तक आ गए थे. Classification के बाद दो topic बचा है इसमें optical fiber में. एक डिस्पर्सन और दूसरा एटेन्यूएशन. तो डिस्पर्सन और एटेन्यूएशन इम्पॉर्टेंट है. एटेन्यूएशन पर न्यूमेरिकल पूछा गया है कई बार. डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन पर शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा जाता था. तो इस बार वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे क्वेश्चन बन सकते ही. डिस्पर्सन तो डिस्पर्सन में है क्या. डिस्पर्सन में बेसिकली है जब लाइट रेज चलती है उसमें पल्स के रूप में चलता है. तो जो फोटोन होती है वो पल्स क्या होती है, ब्रॉडनिंग होती है. और ब्रॉडनिंग होगी एक पल्स दूसरे पल्स पर क्या होगा, ओवरलैप करने लगेगा. इस तरह के जो ओवरलैप करने से क्या होगा, फिर जो फाइनल जहां उनको डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है वहां इंफॉर्मेशन जहां डिटेक्ट किया जाता है वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमको नहीं मिलेगा. एक्चुअल डिक्टेशन नहीं हो पाएगा, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो यानी पल्स में ब्रॉडनिंग होगी और पल्स में ब्रॉडनिंग होने से एक दूसरे पर पल्स ओवरलैप होने लगेगा और पल्स ओवरलैप होने की वजह से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वो उस स्थान तक नहीं डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी डेस्टिनेशन तक डिटेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो डिस्पर्सन का कई फैक्टर है कि पल्स कैसे ब्रॉडनिंग हो सकती है. एक तो फैक्टर है कि उसमें मोड के आधार पर बहुत से लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, डिफरेंट वेवलेंथ से मूव कर रही है और मटेरियल में वेवलेंथ वेलोसिटी के आधार पर वेवलेंथ चेंज हो जा रहा है. तो इसके आधार पर भी वेव गाइड के आधार पर कैसा वेव इसमें गाइड हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे ओवरलोडिंग में डिस्पर्सन हो गया और पूरे ओवरलोडिंग में डिस्पर्सन होने से क्या है, जो जिस इंटेंसिटी से वो चल रहा था उस इंटेंसिटी में थोड़ी सी भी डिफरेंस आएगी. तो हाँ सर नमस्ते. हाँ देखे हैं. हाँ. पिछले बार भी हो गया था ना. हाँ तो ये अमित से बोल दिया हम, ये वाला लिंक जो है उसमें भेज दें. ठीक है, अब जितने ज्वाइन होंगे कराया जाएगा. तो हाँ ठीक.
डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इसके आधार पर कई तरह से डिस्पर्शन हो सकता है। एक तो मोड के आधार पर बहुत से मोड वहां पर प्रोपगेट हो रहे हैं, तो एक एक मोड दूसरे मोड पर ओवरलैप होने की पॉसिबिलिटी है। कैसे डिफरेंट वेलोसिटी होगी, और डिफरेंट जब वेलोसिटी होगी मटेरियल में जब प्रोपगेट होगा कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगी, एक वेलोसिटी जहां उसकी वेलोसिटी कम हुई तो पिछले वाले पल्स पर क्या होगा ओवरलैप होने लगेगा, या वेलोसिटी थोड़ी अधिक होगी अगले वाले पल्स पर ओवरलैप होने लगेगा। ये ओवरलैपिंग की समस्या आएगी, और यानी पल्स के में ब्रॉडनिंग की समस्या आएगी, और पल्स में ब्रॉडनिंग की समस्या आएगी तो ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमको डेस्टिनेशन पर क्या है डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, एक तो मोडल डिस्पर्शन हो गया, फिर मटेरियल डिस्पर्शन है कि मटेरियल में यदि कई वेवलेंथ के लाइट ट कराया जाए, कई वेवलेंथ पर यदि हम अपने मैसेज इंफॉर्मेशन को भेजें उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। यदि वेलोसिटी चेंज होगी उसमें वेलोसिटी चेंज होने से वेवलेंथ और वेलोसिटी का वो है चेंज होने से उस मटेरियल में वेलोसिटी चेंज होने से एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगा, और जो ओवरलैपिंग होगी उससे फिर क्या है पल्स जो है ओवरलैप होगा और पल्स जो है डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, एक दूसरे में मर्ज होता हुआ स्क्रीनिंग होता हुआ मिलेगा जो कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता। इसी तरह से वेव गाइड है, जैसे मान लीजिए जो कई वेवलेंथ के लाइट वहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और कई वेवलेंथ के लाइट पर प्रोजेक्ट होने में ये ऐसा हो सकता है कि जो कोर और क्लैडिंग है उसमें डिस्पर्सन होने लगे, तो क्या होगा एक्चुअली कोर में प्रोपोगेट होना चाहिए था जबकि वो क्लैडिंग में क्या होगा डिस्पर्स हो जाएगा। इस तरह की जो समस्या आएगी तो इसमें हम डिस्पर्सन से हमें लॉसेज होने लगेगा, जो सिग्नल है उसमें लॉसेज होने लगेगा और आउटपुट पर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्पर्सन डिस्पर्शन बेसिकली है क्या, डिस्पर्शन जो है वो डिस्टॉर्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल है। क्या है ये डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल है ये। इसमें क्या होगा डिस्टॉर्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल है, इसमें पल्स पल्स ब्रॉडनिंग पल्स पल्स ब्रॉडनिंग पल्स में ब्रॉडनिंग होगा, और पल्स में जब ब्रॉडनिंग होगी इससे क्या होगा पल्स एक पल्स पल्सेज में क्या होगी ओवरलैप होने लगेगा, ओवरलैप होगा फिर क्या होगा डिफ्लेक्शन में समस्या आएगी, डिस्टिनेशन है डिफ्लेक्शन में समस्या आएगी जिससे क्या होगा कि लॉसेज कम होगा और आउटपुट सिग्नल हमको नहीं मिल पाएगा। ये समस्या है कि डिस्पर्शन जो है क्या है एक ऑप्टिकल सिग्नल डिस्टॉर्शन है, यानी ऑप्टिकल के इनपुट सिग्नल भेजते हैं वो इनपुट सिग्नल क्या है उसमें डिस्टॉर्शन आएगा, और डिस्टॉर्शन से क्या होगा उधर लाइट टाइम ऑफ लाइट ऑफ द पल्सेस है वो चेंज होता है, और टाइम ऑफ लाइट ऑफ पल्सेस चेंज होगी एक दूसरे से उसकी क्या लाइट ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा, जो पल्स आ रहे हैं उसकी क्या होगी ब्रॉडनिंग होगी, और ब्रॉडनिंग होने के बाद क्या होगा वो पल्स जो ओरिजिनल पल्स है वो दूसरे पल्स पर क्या होगा मर्ज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या समझते हैं इस तरह से कुछ इस तरह से होगा कि ये पल्स जा रहा है ये पल्स ये एंटीट्यूड मान लेते हैं
आउटपुट पल्स पर क्या होगा, आउटपुट पल्स पर आउटपुट पल्स पर आउटपुट पल्स जो है इसमें ब्रॉडनिंग होने लगेगा, या ब्रॉडनिंग होने लगेगा। ब्रॉडनिंग होने से क्या होगा, एक दूसरे पर क्या होगा, ओवरलैप होने लगेगा और आउटपुट आउटपुट पर ये जो पल्स है ब्रॉडनिंग होने से क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। इस तरह के जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन कहेंगे। डिस्पर्शन तीन तरह का होता है। पहला है मोडल डिस्पर्शन, मोडल डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है तीन तरह का होता है। मोडल डिस्पर्शन दूसरा मटेरियल डिस्पर्शन मोडल डिस्पर्शन में क्या होता है, मल्टी मोड सिस्टम, मल्टी मोड्स, इस तरह की समस्या होती है, एक साथ बहुत से मोड को प्रवेश हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ जो पल्सेस है वो चेंज हो सकती है, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्सेस चेंज होंगी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होने लगेगा, इसको हम मोडल डिस्पर्शन कहते हैं। मोडल डिस्पर्शन यानी टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन आर कनेक्टेड टू द मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर में होगा व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटी, द डिफरेंट वेलोसिटी द वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ पल्स। बहुत से पल्स चल रहे हैं, उससे क्या होगा कि
कोर ऑफ क्लैडिंग में जो जिस एनर्जी जो एनर्जी है उसमें क्या होगा, कोर ऑफ क्लैडिंग में डिस्पर्शन होने लगेगा, इसमें क्या है डिस्पर्शन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल क्या होगा एनर्जी, जब एनर्जी ऑप्टिकल एनर्जी जो है कोर और क्लैडिंग में डिस्पर्स हो जाएगा डेस्टिनेशन पर ओरिजिनल डिटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये तीन तरह के डिस्पर्शन है, एक मोटर डिस्पर्शन है, बहुत से मोड प्रोपगेट करना है, कुछ वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो तो ओवरलैपिंग होने लगेगा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्सेस में वो चेंज हो जाएगी जिससे ओवरलैपिंग होने लगेगा, और ओवरलैपिंग होगा तो एक दूसरे पल्स पर क्या होगा ओवरलैप होगा और उससे डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी, फाइनल डेस्टिनेशन में जो डिटेक्ट हो रहा है वो इंफॉर्मेशन भी डिटेक्ट नहीं होता। दूसरा है मटेरियल डिस्पर्शन, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से यदि मान लीजिए बहुत से वेवलेंथ की लाइट प्रोपगेट कराया गया डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है, और डिस्टॉर्शन होगा तो उसकी ब्रॉडनिंग होगी और एक दूसरे पर ओवरलैप होगा जिससे क्या होगा मटेरियल में डिस्पर्शन होने लगेगा और जो एक्चुअल एनर्जी प्रोपगेट हो रही है वो एनर्जी फाइनल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से वेव गाइड डिस्पर्शन है, वेव गाइड डिस्पर्शन का मतलब डिफरेंट वेव डिफरेंट वेवलेंथ के जो सिग्नल हम भेज रहे हैं उसमें क्या होगा जो ऑप्टिकल एनर्जी है वो ऑप्टिकल एनर्जी कोर और क्लैडिंग में जब डिस्पर्स हो जाती है तो इसमें क्या है फिर वही डिटेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, फिर जो डेस्टिनेशन है जो आउटपुट है उस आउटपुट पर हमको ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये लॉसेस को इस पर्सन जो है तो लॉसेस को बता रहा है, तीन तरह के लॉसेस हो सकते हैं, डिस्पर्शन हो सकता है और मोटर डिस्पर्शन हो सकता है, मटेरियल डिस्पर्शन हो सकता है, वेव गाइड डिस्पर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन और डिस्पर्शन में थोड़ा अंतर है, डिस्पर्शन में क्या है ऑप्टिकल एनर्जी जिससे फाइनल और पल्स सिग्नल जो है सिग्नल स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कहिए या सिग्नल स्ट्रेंथ जो है तो सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होता है फाइबर के कह सकते हैं कि फाइबर के लेंथ के अनुसार क्या होगा उसके स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगता है और स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगता है तो फिर वही समस्या आती है, फिर क्या होगा फाइनल जो है ओरिजिनल हमको जो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने में फाइनल समस्या। ठीक है ना, तो जो है एटेन्यूएशन इज द इसको फर्स्ट देखें, एटेन्यूएशन इज द रिडक्शन ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ और लाइट पावर ओवर द लेंथ ऑफ द फाइबर। जो हम कह रहे थे ये जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो फाइबर के
लेंथ के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके एस्टीमेट में डिक्रीज होने लगेगा, यदि हो जाता है इसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। एटेन्यूएशन एटेन्यूएशन कंट्रोल द डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल पल्सेस, व्हेन ऑप्टिकल पल्सेस रिड्यूसेस देन रिसीवर इज अनेबल टू डिटेक्ट द पल्सेस। तो रिसीवर जो है वो पल्सेस को रिसीव नहीं कर पाता है, ओरिजिनल पल्स को रिसीव नहीं कर पाता। द एटेन्यूएशन रिजल्ट्स द लाइट एब्जॉर्प्शन, इसलिए क्या होगा एटेन्यूएशन सिग्नल स्ट्रेंथ bending process से उत्पन्न हो सकता है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो कम कैसे डिक्रीज हो सकती है, सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है कैसे डिक्रीज हो सकता है, या तो स्कैटरिंग हो रहा है या एब्जॉर्प्शन उस लाइट वेव जो है वो उस मटेरियल द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है या स्कैटरिंग हो रहा हो या बेंडिंग के थ्रू यदि लॉसेज हो रही हो, इससे क्या होगा एटेन्यूएशन होगा, सिग्नल स्टेट धीरे 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 लेंथ के अनुसार क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा भी होगा सिग्नल स्टेट ऐसे सिग्नल स्टेट धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा, ये लेंथ हो गया लेंथ और सिग्नल स्टेट इनपुट सिग्नल आपको दिया जैसे करके दे दिया, ठीक है। अब आउटपुट पर क्या होगा, ये सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा और डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, आउटपुट पर क्या होगा ये क्या होगा आउटपुट पर ये सिग्नल मिल रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के जो आउटपुट इन है उस आउटपुट पर सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होगा डिक्रीज कर देगा। ऐसा सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा ये लॉसेज होगा और फाइनली हमारा इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, इस पर्सन में ये क्या है ये एटेन्यूएशन में है, एटेन्यूएशन ये दिस्पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम क्या
डेसिबल में निकाल सिग्नल स्ट्रेंथ को डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिबल में लेंगे, आउटपुट दिया रहेगा और इनपुट दिया रहेगा, तो लॉग बेस 10 कर देंगे और लॉग बेस 10 माइनस 10 लॉग बेस 10 आउटपुट अपॉन इनपुट करके इसको सिग्नल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, तो एटेन्यूएशन हमको फाइनली एटेन्यूएशन निकल आएगा। एटेन्यूएशन कांस्टेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ डेसिबल पर यूनिट लेंथ। डेसिबल पर यूनिट लेंथ में हम इसको डिसाइड करते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट हो गया पर यूनिट लेंथ, इसको निकालते हैं। यहां से इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है एटेन्यूएशन कांस्टेंट या सिग्नल स्ट्रेंथ जा रहा है या इनपुट आउटपुट सिग्नल है, उस पर दे दिया गया है इनपुट सिग्नल इतना है आउटपुट सिग्नल इतना है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालेंगे या उसमें कितनी दूरी तक वो प्रोपगेट हो वो लेंथ निकालें, इस तरह के न्यूमेरिकल इस पर दिया गया है। तो दोनों में एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन में दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने का प्रयास करें। तो डिस्पर्सन में क्या होगा, ये मटेरियल में क्या होगा, कुछ कमी हो सकती है, मोड में कमी हो सकती है या उसमें वेव गाइड में कमी हो सकती है, इससे क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्सेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, या कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ चेंज होगा तो पल्स में ब्रॉडनिंग होगी और शार्प जो पल्स था वो ब्रॉडन होगा और ब्रॉडन होने से एक दूसरे को पल्स क्या होगी ओवरलैप होगी। जबकि एटेन्यूएशन में क्या है, एटेन्यूएशन यदि हो रहा है जैसे मान लीजिए लाइट को आपने इंफॉर्मेशन को लाइट कैरियर वे में आपने भेजा, उसमें क्या हो गया स्कैटरिंग हो गया, यदि उसमें बेंडिंग हो गया या उसमें मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन हो गया, यदि मान लीजिए वो मटेरियल एब्जॉर्ब करने लगा, इससे क्या होगा सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगी,
यानी हमने इनपुट सिग्नल जो दिया था वो इनपुट सिग्नल क्या हुआ, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी आउटपुट पर, तो फाइनली इसके थ्रू क्या होगा, लॉसेज होने लगेगा, यानी हम जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमको डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, तो डिटेक्शन में समस्या है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के ये जो है लॉसेज है, एक तो एटेन्यूएशन कह सकते हैं, डिस्पर्सन और एटेन्यूएशन, दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछने का प्रयास किया गया कि क्या डिस्पर्सन क्या है और एटेन्यूएशन क्या है। तो इस सिग्नल स्ट्रेंथ यदि लेंथ के अनुसार डिक्रीज हो रही है तो दैट इज द एटेन्यूएशन, लेंथ के अनुसार यदि सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है दिस इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन, एंड लेंथ जो मटेरियल है उस मटेरियल या मोड के आधार पर या वेव गाइड के आधार पर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्सेस चेंज हो रही है तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो दोनों में ये अंतर, ठीक है। इसके बाद से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल आज तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा लेकिन एक्टिवेशन और ऑप्टिकल फाइबर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दो तीन फार्मूले हैं, ये दो तीन फार्मूले पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस एंगल निकालने के लिए, न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने के लिए, वी नंबर, नंबर ऑफ मोड्स कैसे हम कितने नंबर ऑफ मोड्स प्रोपगेट कर सकते हैं किसी ऑप्टिकल फाइबर से, कितना संभव हो सकता है उससे लाइट प्रोपगेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लोगों ने रिजॉल्व किया था, नंबर ऑफ मोड निकालने के लिए वी नंबर के लिए फार्मूला दिया हुआ था, वी नंबर के लिए ट्वाइस पाई ए अपॉन लैम्ब्डा रूट न्यूमन स्क्वायर माइनस न्यूटन स्क्वायर, या इसको आप फ्रीक्वेंसी के रूप में भी ले सकते हैं, ट्वाइस पाई ए।